ट्वेल्थ क्लास अकाउंट्स। तो देखो, देखना क्या है, अब तो करने की जरूरत है, इतने दिनों से हम देख ही रहे हैं। तो देखो, अब हमने चैप्टर वन निपटा लिया है अकाउंट्स का, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर टू। चैप्टर टू और चैप्टर वन में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा क्या, काफी फर्क है। चैप्टर वन एक लेंथी चैप्टर था और चैप्टर टू एक छोटा चैप्टर है। चैप्टर वन के अंदर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है किसी क्वेश्चन को करने का, हर एक क्वेश्चन को करने का अपना एक तरीका है। तीन चार मोटे मोटे टॉपिक हमने वहां पर पढ़े और काफी अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब पार्टनरशिप का अगला चैप्टर है गुडविल। मैं फिर से वही बोलूंगा, थ्योरी मायने नहीं रखती, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बात जरूर बताऊंगा कि गुडविल चीज क्या होती है। मुझे बताओ, एक कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल टाटा ले लेते हैं, ठीक है, टाटा इंडिकॉम, टाटा स्काई, टाटा सॉल्ट, है ना, दुनिया भर की चीज है टाटा की, बहुत पुरानी कंपनी है। उसकी मार्केट में एक पहचान है, मार्केट के अंदर उसका एक वजूद है। अगर किसी बच्चे के सामने या किसी बड़े के सामने या किसी बिजनेसमैन के सामने या किसी एम्प्लॉय के सामने या किसी गरीब इंसान के सामने या किसी अमीर इंसान के सामने या किसी के भी सामने तुम टाटा कंपनी का नाम लेते हो, तो जैसे तुम टाटा शब्द बोलते हो तो उसके दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि हाँ भाई, ये उस कंपनी की बात कर रहा है, हाँ ये उस एंटरप्रेनर की बात कर रहा है। होता है ना ऐसा? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर अपनी क्या बनाती है, एक इमेज बनाती है। मार्केट के अंदर अपनी क्या बनाती है, एक वैल्यू बनाती है। मान लो तुम किसी बिजनेस को चला रहे थे टाटा कंपनी के नाम से और खूब अच्छी इमेज बनी हुई थी। अब एक नया बंदा आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूं। तुमने अपनी कंपनी में 30 साल से काम कर रहे हो और तुमने वो कंपनी 30 साल से चला रहे हो और मार्केट के अंदर एक इमेज बना रखी है, अच्छी इमेज। हालांकि बुरी इमेज भी होती है, मुझे भी मालूम है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं अच्छी इमेज की, ठीक है। कोई व्यक्ति तुम्हें ज्वाइन क्यों करना चाहेगा, बुरी इमेज की वजह से? नहीं, तुम्हें ज्वाइन करना चाहेगा अच्छी इमेज की वजह से। तो वो तुम्हें ज्वाइन करना चाहता है, क्या 30 साल से जो इमेज तुमने बना रखी थी, जो मार्केट में तुमने वैल्यू बनाई हुई है, क्या उसका फायदा इस नए पार्टनर को इतनी आसानी से मिल जाएगा? नहीं। तुम क्या मांगोगे उससे बदले में, कि भाई देख, मैं तुझे पार्टनर तो बना लूंगा, तुझे मेरी गुडविल का एक छोटा सा हिस्सा देना पड़ेगा। मैंने जो मार्केट के अंदर इमेज बना रखी है इतने सालों से, मैंने जो मार्केट के अंदर अपनी ख्याति बनाई है, हिंदी में क्या शब्द बोला मैंने, ख्याति, गुडविल, मार्केट के अंदर जो मैंने अपनी गुडविल बनाई है, उसकी तुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी, 1%, 2%, 1/5, 2/5, इस तरह की। इसीलिए कैलकुलेशन की जाती है गुडविल। गुडविल की वो वैल्यू तभी तो देगा जब तुम्हें पता होगी गुडविल कितनी है। मार्केट के अंदर गुडविल वैसे कैलकुलेट नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ फैक्टर्स के बेस पर गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स है और वो कौन कौन से मेथड है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। हालांकि किसी की भी इमेज को क्या वैल्यू में मेजर किया जा सकता है? ये बंदा बहुत पुराना है, इसकी बहुत इमेज है मार्केट के अंदर, बहुत जबरदस्त कंपनी का प्रोडक्ट देता है ये, तुम इतना ही तो कह सकते हो। क्या तुम वैल्यू बता सकते हो, इतना महंगा है, इतना बढ़िया है, इतने रुपए में, है ना, वो चीज नहीं कह सकते। लेकिन अकाउंट्स के अंदर ये चीज पॉसिबल है, अकाउंट्स के अंदर ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्केट के अंदर अपने ट्यूशन की एक इमेज बनाई है, एवन स्टडीज की एक इमेज बनाई है। कुछ अच्छी इमेजेस भी हैं और कुछ बुरी भी है, मैं बात कर रहा हूँ अच्छी इमेजेस की। हर एक ट्यूशन का अपना एक वजूद होता है, अच्छा भी होता है और साथ ही साथ बुरा भी होता है। मेरा भी कुछ अच्छा वजूद है मार्केट में और मेरा भी कुछ बुरा वजूद है मार्केट में, तो मैं बात कर रहा हूँ अच्छे की। अब ऐसे में मैं पिछले 10-12 साल से सपोज पढ़ा रहा हूँ और मैंने मार्केट के अंदर एक अच्छी इमेज बनाई। अब नया बंदा आता है, कोई नया टीचर आता है, वो मेरे साथ काम करना चाहता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है, वो आकर पढ़ाएगा। मैं उससे क्या मांगूंगा, एक चार्ज मांगूंगा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना तो लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी गुडविल का पहले एक हिस्सा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में मेरी एक इमेज है। अगर तुमने वो इमेज खराब करी तो नुकसान होएगा, तो उस नुकसान की पहले ही भरपाई करवा ली जाती है। दैट इज वाई वी कैन कैलकुलेट गुडविल फॉर द फर्म। इसीलिए हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं किसी भी फर्म के लिए। तो क्वेश्चन ये कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये चैप्टर प्योरली फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड चैप्टर है, मतलब कि
गुडविल को कैलकुलेट करने के यहाँ पर तुम्हें अलग अलग क्या मिलेंगे, मेथड मिलेंगे, अलग अलग क्या मिलेंगे, फॉर्मूले मिलेंगे। फॉर्मूला लगाते जाएंगे और गुडविल कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना, देयर सो मच मेथड। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड तुम देख सकते हो अपनी बुक के अंदर, चैप्टर 2 खोल लो गुडविल, और स्टार्टिंग की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो एवरेज प्रॉफिट मेथड की है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो बोर्ड पे देखना, पहले मैं तुम्हें गुडविल का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हेडिंग डालो, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकलती है उसका फॉर्मूला लिखो, गुडविल निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है भाई, देखो बोर्ड पे लिखो। गुडविल बराबर होती है, मतलब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज, इयर्स परचेज। अब मैं तुम्हें फिर से एक बात बताऊंगा कि गलती कहाँ होगी, गलती कहाँ होगी। वैसे तो ये मेथड बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी गलती कर देते हैं। कुछ होते हैं चुनिंदा बच्चे, है ना, कुछ होते हैं चुनिंदा बच्चे जो इस चीज में भी गलती कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले पर फोकस करो। एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें इयर्स परचेज दी जाएगी, 3 साल की, 5 साल की, 1 साल की, 1.5 साल की, 10 साल की, इयर्स परचेज। ध्यान से सुनो, मैं बार बार इस शब्द पर जोर दे रहा हूं, इयर्स परचेज तुम्हें यहां पर लानी होती है। तुम्हें किस चीज से मतलब है, इयर्स परचेज से, परचेज ईयर से नहीं, इयर्स परचेज से मतलब है, परचेज ईयर से मतलब नहीं है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। तुम्हें फॉर्मूले के अंदर क्या डालना है, इयर्स परचेज, ना कि परचेज ईयर्स। क्वेश्चन हमें दोनों देगा, इयर्स परचेज भी देगा और परचेज ईयर्स भी देगा। लिखा इस तरीके से होगा कि कंफ्यूजन हो जाती है। तुम्हें ध्यान रखना है तुम्हें यहां पर क्या चीज डालनी है, तुम्हें यहां पर डालनी है ईयर्स परचेज, ईयर पहले परचेज बाद में। उस चीज को देख लो, वो वैल्यू कितनी दे रखी है ईयर्स परचेज की क्वेश्चन में, वो देखना है तुम्हें, परचेज ईयर नहीं देखना, ठीक है। अब ए फॉर्मूला और लिखना हो, गुडविल निकालने के लिए दो फॉर्मूले लगते हैं, ए और बी। बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें गुडविल का क्या फॉर्मूला लिखवाया है, एवरेज प्रॉफिट ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज तो क्वेश्चन खुद दे देगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तुम्हें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और एवरेज निकालना बड़ा आसान होता है। बताओ, देखो तुम लोगों को दिक्कत ना हो, मैं एवरेज प्रॉफिट को शॉर्ट में लिख दूं, एपी। तुम लोग पूरा लिखना, एक एक के रजिस्टर में पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, मैं चेक कर सकता हूं, तुम्हें मालूम है ये बात, एक एक के रजिस्टर में पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, एपी नहीं होना चाहिए, एवरेज प्रोडक्ट ही मिलना चाहिए मुझे चेक करते समय, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा आसान है, ऊपर लिखना टोटल प्रॉफिट, भाई टोटल ऊपर आता है, मालूम है ना एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे तुम लोग अपनी परसेंटेज निकालते हो ना, टोटल मार्क्स तुम्हारे ऊपर आते हैं जितने तुम्हारे आए हुए हैं, और नीचे कंप्लीट मार्क्स आते हैं ना, तो देखो टोटल प्रॉफिट ऊपर आएगा और नीचे आएगा नंबर ऑफ इयर्स। मुझे बताओ, अगर 5 साल की एवरेज निकाल रहे हो तो 5 साल का प्रॉफिट ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा, 5,
क्योंकि कितने साल की एवरेज है, 5 सालों की, ये दिखाई दे रहा है, पांच, पांच उंगली होती है, समझ रहे हो ना। 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों साल का प्रॉफिट ऊपर, और नीचे कितना आएगा, तीन, क्योंकि कितने साल की एवरेज निकाल रहे हो, 3 साल की। हाँ, क्वेश्चन हमें देगा कि हम कितने साल की एवरेज निकालें, ठीक है। तो इस मेथड के लिए इतना ही काफी है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो तुम जानते हो कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन बनता है शॉर्ट, ठीक है, 3 नंबर का या ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का, बस 6 तक का यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, 3 नंबर या फिर 4 नंबर बस, ठीक है। तो देखो, तुम लोग जानते ही हो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं अकाउंट्स में, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, इसलिए तुम लोग अपनी बुक के अंदर देख सकते हो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना और समझना। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एट 3 ईयर्स परचेज। मुझे बताओ, फॉर्मूले के अंदर ईयर्स परचेज डालते हैं या परचेज ईयर्स डालते हैं, ईयर्स परचेज, मुझे बताओ, जरा ध्यान से सुनो, मैं धीरे धीरे बोलता हूं, मतलब लाइन को स्लोली बोलता हूं, और अपनी बुक के अंदर इस लाइन को गौर करना। देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज कितनी दे रखी है, 3, ईयर्स परचेज कितनी दे रखी है, 3, समझ में आई बात। ईयर्स परचेज से पहले जो भी लिखा हुआ होगा ना, वही तुम्हारी क्या है, ईयर्स परचेज है, बाद में नहीं, जो पहले लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका है, अगर ये टेक्निक समझ में आ गई, समझो क्वेश्चन खत्म, ठीक है, और जल्दबाजी में तुमने गलत ईयर्स परचेज डाल दी तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म। तो कितनी ईयर्स परचेज है, 3, ध्यान रहेगी ना। अब आगे देखते हैं, परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, और कितने साल की एवरेज निकालनी है, 4 साल की, ध्यान से सुनो, ईयर्स परचेज कितनी दे रखी थी, 3, उसको तो हम बाद में देखेंगे, एवरेज कितने सालों की निकालनी है, 4 साल की। मुझे बताओ, जब हमें 4 साल की एवरेज निकालनी है तो प्रॉफिट भी कितने साल का होना चाहिए, 4 साल का। अगर 3 साल की एवरेज निकालनी है तो प्रॉफिट भी कितने साल का होना चाहिए, 3 साल का। अगर 2 साल की एवरेज निकालनी है तो प्रॉफिट भी कितने साल का होना चाहिए, 2 साल का। 1 साल की एवरेज निकालनी है, एक की निकलती है क्या, एक की क्या एवरेज, पागल हो क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, देखो दे दिया ना प्रॉफिट, क्वेश्चन ने प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च, और देखो 4 साल के प्रॉफिट प्रॉफिट दे रखे हैं, मैं ईयर नहीं बोलूंगा, इस बात का ध्यान रखना। देखो, पहले साल का प्रॉफिट 12,000 है ना, 18,000, 16,000, 14,000, मैं ईयर नहीं बोल रहा, लेकिन ईयर वही है ये 4 जो तुम लोगों की बुक में लिखे हुए हैं, समझ रहे हो ना, मैं ईयर नहीं बोल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे भी ईयर का क्या 4 डालना है, प्रॉफिट से मतलब है, मैं बताओ 12,000 प्रॉफिट है ना, 18 भी होगा तुम्हारी बुक में, 16 भी होगा और 14 भी होगा, है ना, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले। देखो बोर्ड पे, पहले तुम्हें क्या निकालना है, एपी, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने शॉर्ट में एपी लिख दिया, तो बोरा तो नहीं मानोगे ना, मानने वाली क्या बात है, मेरी मर्जी। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया है, टोटल प्रॉफिट ऊपर आता है और नीचे उतने सालों का, मतलब कि नंबर ऑफ इयर्स, मतलब कि कितने सालों की एवरेज निकालने वाले हो। बताओ, 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं ना बोर्ड पे, देखो 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, जल्दी से ऊपर ऐड करके बताओ टोटल कितना आ रहा है, अपॉन में कितने साल की एवरेज निकाल रहे हैं, 4 साल की। किसी में कोई किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि वो जो 3 दे रखा था, देखो जरा अपने क्वेश्चन में,
3 ईयर्स परचेज दे रखा था ना, 3 ईयर्स परचेज, उसका क्या करेंगे? उसका भी कुछ नहीं करना, उसका बाद में करेंगे। हाँ पहले ये जोड़कर बताओ भाई। देखो मैं क्यों मेहनत करूं खामे का, मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है, वैसे भी टेस्टिंग मेरी नहीं है, टेस्टिंग तुम लोग की है। कैलकुलेटर क्या है, तो देखो टोटल ऐड करके तुम्हारा आएगा कंप्लीट 60,000, मेरे हिसाब से 60,000 और अपॉन में 4। हाँ डिवाइड जब दे दोगे तो डिवाइड देने के बाद तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल आया, 15,000। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना निकल आया, 15,000। अब अगले स्टेप में तुम्हें निकालनी है गुडविल। अगले स्टेप में क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, अभी अभी मैंने लिखवाया था, ध्यान रखना जब मैं एवरेज प्रॉफिट पूछूं तो बता देना, हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा लेकिन बताना जरूर। अब लिखो गुडविल का फॉर्मूला। जब तक ये क्वेश्चंस चलेंगे ना इस बुक के, ध्यान रखना जानबूझकर बार बार फॉर्मूला लिखो, मेरे कहने से हर एक क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला लिखो, क्योंकि जितनी बार तुम फॉर्मूला लिखोगे ना, जितनी बार उस फॉर्मूले को लिखोगे उतनी बार वो रिवाइज होएगा और उतनी बार वो तुम्हारे दिमाग के अंदर याद रहेगा, और बिना रटे तुम्हें ये फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्निक होती है। अब जरा बोर्ड पे देखो, गुडविल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड से, याद होगा तुम्हें, एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज, समझ में आ रही है ना बात, इयर्स परचेज। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था तुम्हें इयर्स परचेज डालनी है, परचेज इयर्स नहीं डालने। इयर्स परचेज कितनी दी थी क्वेश्चन ने, देखो ध्यान से अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ था भाई, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें दिखाई देगा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। कितने साल की ईयर्स परचेज है, 3 साल की। हाँ एवरेज प्रॉफिट तुमने निकाला है 15,000 और ईयर्स परचेज क्वेश्चन ने हमें कितनी दी है, 3। बताओ गुडविल कितनी आ गई, 45,000। तुम अपने आंसर में चेक कर सकते हो, 45,000 ही हमारी क्या है, गुडविल है, 45,000 ही क्वेश्चन की भी गुडविल आ रही है, ठीक है।